नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल डिजी एप्लीकेशन का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है या प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं टोटल डिजी स्कैन एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अपडेट पर सिंपल सा। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। दोस्तों प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह पे इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको सिंपल सा अपडेट पे क्लिक कर लेना है और उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। सो फाइनली यहाँ पे एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है। तो एप्लीकेशन को इस तरह हम यहाँ पे ओपन करेंगे। आप भी इस तरह पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों फिर से यहाँ पे इस तरह पे इंटरफेस आना है। आपको यहाँ पे आपके हिसाब से आपको एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप मैकेनिक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, आपके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं मैकेनिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपने जिस मोबाइल नंबर को डिजी स्कैन एप्लीकेशन में लिंक किया हुआ है उस नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस तरह पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे सिंपल सा क्लिक कर लेना है, देन आपको यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, ओके पे टैप कर लेना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली जा चुकी है नंबर पे। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सिंपल से फिलअप कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी को हम यहाँ पे इस तरह फिलअप करेंगे, आप भी इस तरह यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट प्रोसेस सक्सेसफुली, तो ओके पे टैप कर लेना है। ओके पे टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक एम पिन को क्रिएट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस तरह एम पिन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों परमिशन देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो आपको लोकेशन है लोकेशन को भी ऑन कर देना है। लोकेशन ऑन करने में दोस्तों ओके पर टैप कर लेना है। ओके पर टैप करने में दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे न्यू एम पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो जो ओल्ड एम पिन है मैंने यहाँ पे एंटर किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट होने के बाद एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे न्यू एम पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक एम पिन को क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एम पिन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप इस तरह पे एम पिन को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मास्टर पिन को क्रिएट करने के बाद दोस्तों सबमिट पे टैप कर लेना है। सबमिट पे टैप करने के दोस्तों दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो टोटल डिजी स्कैन एप्लीकेशन का जो अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और दोस्तों फर्स्टली ये इंटरफेस इस तरह पे देखने को मिलता है। तो एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह पे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैनुअल एंट्री, पेमेंट मेथड, आप चाहे तो आपके जो पिन एम पिन है आप यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे स्कैनर का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और स्टोरी का भी ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तो मेरे यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों टोटल डिजी स्कैन एप्लीकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। होपफुली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ इसी इंटरेस्टिंग वीडियो सर नेक्स्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।